अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं जो कि मुझे फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो कलर्स थे वो मेरे पास कॉटन थ्रेड में अवेलेबल पूरे नहीं थे, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉटन थ्रेड की लेयर ले ली है और एक अपने पास मल्टी कलर के सिल्की थ्रेड की लेयर ले ली है जो कि अवेलेबल थी घर पे। तो इस तरह से मेरा डिज़ाइन के हिसाब से और कलर्स के हिसाब से मेरे जो ड्रेस के साथ है कलर्स मैच कर रही हैं। कुछ इस तरह से मैं इनको दोनों को ज्वाइन करके यूज़ करूँगी और अपने स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाऊँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे ये डिज़ाइन को फैब्रिक के कलर को मैच कर रहा है। इस तरह से मेरे पास ये स्लीव्स हैं मेरी जो कि मैंने अपने ड्रेस के लिए बनाई हैं, तो इसके ऊपर मैं अपना डिज़ाइन बनाऊंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आप जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो अपना पूरा सूट या अपना पूरा फैब्रिक जो भी है जिस पे भी आप बनाते हैं पहले उसको सिलाई को कंप्लीट करें, फिर आप लास्ट पे अपने डिज़ाइंस बनाएं लेसिस वगैरह के, दामन पे भी और बाजू पे भी। और अगर आप राउंड शेप या वी शेप का गला बना रहे हैं तो वो भी कंप्लीट होने के बाद ही उस पर डिज़ाइन बनाएं, तो ज़्यादा नीटनेस आती है। तो इन दोनों को थ्रेड को यूज़ करने के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं इस तरह से कुछ छोटे साइज़ के पर्ल्स यूज़ करूँगी। आप चाहें तो अपने फैब्रिक के हिसाब से क्रिस्टल के बीट्स भी यूज़ कर सकते हैं या जैसे भी मोती आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है और फर्स्ट रो पर डिपेंड करता है, इसमें किसी किस्म की हमें बेस रो नहीं बनानी है। जबकि मोती मेरे पास छोटे हैं तो मैं उनको यूज़ करने के लिए ये रोज़ की 12 नंबर की बारीक वाली हुक यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। क्या करेंगे हम अपने बाजू पे अपने स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारी सिलाई है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ताकि हम लास्ट स्टिच को दूसरी वाली इस तरह से राउंड शेप में डिज़ाइन में आते हुए हम इधर ही यहाँ पर आके ख़त्म करें। स्लिप नॉट ले लिया हमने सबसे पहले अपने फैब्रिक पे और डबल क्रोशे का बल ले लिया। इस डिज़ाइन में हमें डबल क्रोशे चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं और आप डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे तो आप क्या करेंगे, आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना लेंगे, वो भी हमारी डबल क्रोशे की ही काउंटिंग देता है। कुछ इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाया, डबल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 2 चेन। टू चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन के साथ ही हम अपना एक मोती ऐड कर लेंगे। हुक की हेल्प से हम पहले इंसर्ट कर लेंगे इसको अपनी हुक में और फिर हम अपने थ्रेड में पास करेंगे इसको कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने इसको पास कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे, एक बार चेन बनाएंगे और साथ ही हम एक बार फिर से चेन बनाएंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले डबल क्रोशे बनाया, डबल क्रोशे के एज पे 2 चेन बनाया, फिर हमने अपना पर्ल ऐड किया और साथ ही हम 2 चेन फिर से बनाएंगे, साथ ही हमारा ये पर्ल भी लॉक हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेना है, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। जब हम फर्स्ट पे स्टिच पे डबल क्रोशे बनाते हैं तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड होता है हम इसको हेल्प से इसके क्रॉस में इजीली डबल क्रोशे बना सकते हैं। वन, वन टाइम डबल क्रोशे बना लिया और हम अब इसी के क्रॉस में टू टाइम डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन हो जाएगा, ये वेरी फर्स्ट स्टिच है तो इसके लिए हमें इसी तरह से बनाना है। ये क्या करेंगे, हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और तकरीबन इतना मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है जितना कि इस हमारा डिज़ाइन का बन रहा है, उतना ही डिस्टेंस लेना है आपने। डिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं करना वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ढीला बन जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइट बन जाएगा। डिस्टेंस नहीं लेने में ईजी नहीं लगता आपको तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए। डबल क्रोशे बनाया हमने, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन के बाद हम एक अपना मोती पास करेंगे
इस तरह से हुक में मोती को इंसर्ट करके हम क्या करेंगे, इस थ्रेड में से निकालेंगे और फिर से टू चेन बनाएंगे। इसको हम बनाते हुए टू चेन बना लेंगे, वन टू। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में टू टाइम डबल क्रोशे करेंगे, वन टू। टू टाइम डबल क्रोशे किया, सेम इसी तरह से फिर से हम रिपीट करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, सेम डिस्टेंस लेना है आपने, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये आपके स्लीव सिलाई हुए हुए हैं तो हमारे ये ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन, इसलिए आपने डिस्टेंस सेम ही रखना है। और अगर आपको मुश्किल है तो आप बेस रो बना लिया कीजिए, टू चेन प्लस फिर से हम अपना मोती पास करेंगे, कुछ इस तरह से हम पहले इंसर्ट करेंगे अपनी हुक में और फिर हम अपने थ्रेड के अंदर से इसको निकालेंगे और फिर से हम टू चेन बनाएंगे। और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में टू टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए हमने डिस्टेंस कितना लेना है और हमने किस तरह से इसको रिपीट करना है। डिस्टेंस मैक्सिमम यहाँ पे ये थ्री चेन का या फिर आप फोर चेन का डिस्टेंस बन रहा है। अगर आप कॉटन थ्रेड से लें तो ये थ्री चेन का डिस्टेंस है और अगर आप सिल्की थ्रेड से लें तो ये फोर चेन का डिस्टेंस बनता है। इस तरह से हमने डबल क्रोशे बना लिया, डबल क्रोशे के एज पे हम बना लेंगे टू टाइम चेन और चेन के बाद हम क्या करेंगे अपने एक पर्ल को ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से। इंसर्ट करते हुए हम क्या करेंगे टू चेन ले लेंगे फिर से, वन टू। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में टू टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपने लास्ट वाली स्पेस पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने फर्स्ट स्टिच बनाया था। राउंड होता है स्लीव्स तो हमें यहां पे आके फिनिश करना है। मैं यहां पे आके आपको दिखाती हूं कि हमें लास्ट स्टिच किस तरह से लेना है और हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाजू पे डिज़ाइन बनाया कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों के समर्स के कपड़ों पे हमारे डिज़ाइंस ड्रेसेस को खूबसूरत बना देते हैं, लेसिस के डिज़ाइंस। कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। हम इसका लास्ट स्टिच क्या करेंगे, हम पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और अब हमने इसको लास्ट पे अटैच करना है फर्स्ट वाले स्टिच के साथ। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पे डबल क्रोशे लिया था इसको हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच करना है इस डबल क्रोशे के साथ। स्लिप स्टिच करना है और फिर जो हमारा थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे और ये लास्ट वाले स्टिच में से हम इसको निकाल लेंगे। सिल्की थ्रेड हैं तो वो एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। यहाँ से हमने लास्ट वाले स्टिच को काट दिया है, हमने थ्रेड को कट कर दिया है तो ये स्लिप स्टिच किया हमने। लास्ट स्टिच को हमने ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे था उसमें हमने स्लिप स्टिच किया और ये हमने कट करके इसको फिनिश कर दिया है कुछ इस तरह से। फिर क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास फर्स्ट पे और लास्ट पे जो हमारे पास थ्रेड बच जाता है उसको हम अच्छे से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद आप इसको कट करके ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, कभी भी सिल्की थ्रेड हो आपके पास तो आप उसको हमेशा से थोड़ा सा लाइटर से या आग से किसी भी तरह से आप इसको जलाएंगे ताकि इसके एजेस ख़त्म हो जाएं, बाइंड हो जाएं और दोबारा से नहीं खुलें। यहाँ से हम इनके एजेस को जला देंगे। हम अपने फाइनल लुक देखते हैं, हम अपने डिज़ाइन की देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे लगता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप बनाएं अपने बाजुओं के लिए, अपने दुपट्टे के पल्लू पे भी ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक स्टिचेज़ हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं
आप देख सकते हैं हमारे बाजू की लुक कुछ इस तरह से आती है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए, अच्छी लगती हैं। और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।